नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज भी जो रेसिपी आपको मिल रही है, ये भी एक रिक्वेस्टेड ही है। ये रिक्वेस्ट थी ईश्वर बनर्जी और सरस्वती विश्वास की, कि उन्होंने बोला कि मैम पनीर की कोई रेसिपी बनाकर बताएं। तो आज मैं पनीर की ही बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी। ये बिल्कुल अलग तरीके से बनेगी। इसे बच्चे बहुत शौक से, वैसे भी बच्चे पनीर बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसके अंदर सब्जियाँ भी डलेगी, तो बच्चों के अंदर सब्जियाँ भी जाएगी, क्योंकि बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते हैं। तो चलिए देखते हैं पनीर की भुर्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पनीर की भुर्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं प्याज। तो प्याज मैंने लिए तीन मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। मैंने लिए टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची। हरी मिर्च और हरा धनिया हम इसके अंदर ज़्यादा डालेंगे, जिससे जो इस पनीर भुर्जी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है। पनीर भुर्जी बन रही है तो पनीर तो लेना बनता ही है। मैंने आनंदा का पनीर लिया है और मैंने लिया है हरा धनिया। हरा धनिया हमें ज़्यादा ही चाहिए। तो चलिए अब दिखाती हूँ आपको कि मैं कितनी जल्दी से बनाकर तैयार कर लूँगी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को चॉपर में चॉप करूँगी, मैं इन्हें काटूँगी नहीं बिल्कुल भी। तो सबसे पहले चॉपर में मैं करूँगी अदरक। आप देखेंगे कि इस चॉपर से जो है काम कितना जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने चॉपर में से एक मिनट भी नहीं घुमाया और ये कितना अच्छा हो गया। हमें दरदरा ही चाहिए, हमें इसका फाइन पेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसे निकाल लेंगे अलग कटोरी में। फिर मैं इसके अंदर करूँगी प्याज। मैंने इसे धोया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो अदरक है वो थोड़ी बहुत है, तो उसी में ही हम कर लेंगे प्याज। प्याज भी हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, इसको भी हमें हल्का मोटा मोटा ही रखना है। तो प्याज भी मैंने कर लिया है। तो चलिए पहले बनाना शुरू करते हैं। जब तक प्याज हमारी भुनेगी, तब तक शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर ये तीनों चॉप हो जाएंगे। गैस ऑन करके रखेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे तेल जो आप घर में खाते हैं। तेल गर्म होने पे डालेंगे जीरा, फिर डाल देंगे प्याज जो हमने चॉप किया है, इसमें डाल देंगे अदरक, फिर काटेंगे हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसमें जो हरी मिर्च का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है सिम, क्योंकि मुझे जो बाकी सब्जियां हैं वो भी चॉपर में चॉप करनी है, तो वो भी जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगी गाजर चॉप। आप चाहो तो सारी सब्जियाँ पहले से ही चॉप करके रख लें। ये देखिए कितनी अच्छी चॉप हुई है। इसे भी मैं डाल दूंगी प्याज के साथ ही, क्योंकि गाजर को नरम होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो गाजर को भी मैंने प्याज में डाल दिया, दोनों को इकट्ठा भूनेंगे। तो गाजर और प्याज को भी मैंने भून लिया और अब मैं कर लेती हूँ जल्दी से शिमला मिर्च को भी चॉप। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हम भूनेंगे अच्छे से। जब तक शिमला मिर्च भूनती है, तब तक मैं टमाटर भी पीस लेती हूँ। तो शिमला मिर्च भी भून गई है, अब इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। तो चलिए दो से तीन मिनट तक मैंने इसे भून लिया है, अब इसके अंदर डालेंगे मसाले। मसाले में मैं डालूंगी पहले मिर्च, क्योंकि मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिसे देगी मिर्च कहते हैं, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने डाली है। नमक, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। धनिया पाउडर। तो बस इसके अंदर हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती, नमक, मिर्च और धनिया ही डलेगा। अब इन मसालों को हमें अच्छे से भूनना होगा, जब तक कि जो इसके अंदर तेल है वो अलग ना हो जाए। तो मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसके अंदर डाल देंगे पनीर। पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया और इसे करेंगे मिक्स। तो पनीर डालने के बाद इसे दो से तीन मिनट तक भूनेंगे ऐसे ही चलाते हुए। तो दो से तीन मिनट तक भून लिया, अब इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया हमें इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डालना है और इसे कर देंगे मिक्स। तो हरा धनिया भी मिक्स हो गया है, सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद।
तो जब मैं ये पनीर भुर्जी बनाती हूँ तो इसे बनाना तो आसान है ही है, बच्चों के पेट में सब्जियाँ भी जाती हैं क्योंकि बच्चे जो है सब्जियाँ खाने से बचते रहते हैं। तो मैं इसे ब्रेड में लगाकर भी बच्चों को एज ए सैंडविच बनाकर भी खिलाती हूँ घर में, और जो कुलचे होते हैं कुलचे के अंदर भी इसकी स्टफिंग करके अगर तवे पर सेक कर दिए जाए तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अभी मैं आपको ब्रेड पर भी लगा कर दिखाऊंगी और कुलचे पर भी लगा कर दिखाऊंगी। तो पनीर की भुर्जी मैंने बना ली है, अब मैं बताती हूँ कि आपको इसे कुलचे के अंदर कैसे लगा कर खाएंगे, या आप ब्रेड के अंदर भी लगा कर खा सकते हैं, बच्चों को पराठा भी बना कर दे सकते हैं, पराठे के साथ भी ये सब्जी खाई जाती है। लेकिन जब इसे आप कुलचे और ब्रेड के अंदर बच्चे को लगा के देंगे तो वो बहुत ही शौक से खाएंगे। तो पहले मैं लगाऊंगी ब्रेड पे, मैंने सैंडविच ब्रेड ली है, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो इस पर मैं लगाऊंगी पहले थोड़ा सा केचप, अगर आपके पास ग्रीन चटनी बनी हुई है तो आप वो भी ज़रूर लगाएं, मेरे पास अभी बनी नहीं हुई थी तो मैंने नहीं ली। दोनों ब्रेड पर ही केचप लगाना है, फिर इस पर लगा देंगे पनीर की भुर्जी जो हमने बनाई थी अभी। अब लगाएंगे कुलचे पर, इस पर भी केचप लगाएंगे पहले। आप ग्रीन चटनी यानी कि धनिया की चटनी और केचप दोनों को मिक्स कर लें, फिर इस पर लगाएंगे पनीर। और जो दूसरा कुलचा है उसके ऊपर रख देंगे और अब इन्हें सेकेंगे। तो गैस ऑन करके तवा मैंने पहले से ही रख दिया था, तवा हो गया है गरम, उस पर डालेंगे देसी घी, फिर रखेंगे ब्रेड, ब्रेड पर भी अच्छे से देसी घी लगाएंगे और इसे अच्छे से सेकेंगे दोनों तरफ से ही। ये ब्रेड सिक गई है अच्छे से, इसे बीच में से काट लेंगे। तो ये हमारे तवे पर ही पनीर के सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। और अब बनाएंगे कुलचा, तवे पर डालेंगे देसी घी, कुलचा रखेंगे, फिर इस पर भी अच्छे से घी लगाएंगे और इसे भी हमें दोनों तरफ से सेकना है। तो ये भी अच्छे से सिक गया है, इसे भी काट लेंगे बीच में से। तो अब ये पनीर कुलचा बनकर तैयार हो गया। एक ही सब्जी हमने बनाई, पनीर भुर्जी बनाई, उससे हमने सैंडविच भी बना लिया और पनीर कुलचा भी बना लिया। ये दोनों चीज़ें जब आप खाकर देखेंगे तो जो इसका स्वाद होगा वो बहुत ही लाजवाब होगा। तो पनीर कुलचा भी बनकर तैयार है और सैंडविच भी बनकर तैयार है। तो हमने एक ही पनीर की सब्जी से दो दो चीज़ें बना ली, यानी कि दो दो खाने की चीज़ें तैयार हो गई है। तो आप भी इसे अपने घर पर बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपने जब ये पनीर की भुर्जी बनाई और उससे आपने जो सैंडविच बनाए और इससे आपने जो पनीर कुलचा बनाया आपसे कैसा बना, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। तो आज की रेसिपी आपको मेरी ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप अपने सुझाव हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, हरे कृष्णा।